इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। समस्तीपुर जिले अंतर्गत 100 सार्वजनिक स्थानों पर सुना गया मुख्यमंत्री का निश्चय। संवाद सोमवार को लोहिया आश्रम सहित 100 सार्वजनिक स्थानों पर बड़े बड़े LCD के माध्यम से जिले के करीब 10,000 कार्यकर्ताओं एवं आमजनों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निश्चय संवाद सुना। ज्ञातव्य हो कि वर्चुअल रैली के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहारवासियों और कार्यकर्ताओं को 2 घंटे 50 मिनट संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सेवा ही मेरा धर्म है, बाढ़ राहत, कोरोना संकट और बिहार के विकास कार्यों की विस्तार पूर्वक चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बात तो बहुत लोग करते हैं पर उनके बताए रास्ते पर चलते नहीं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस कोरोना संकट के दौरान आमजनों की सुरक्षा को देखते हुए वर्चुअल रैली में डिजिटल माध्यम की बहुत सराहना की जा रही है। लोहिया आश्रम समस्तीपुर में जदयू के जिला अध्यक्ष अश्वमेघ देवी, प्रदेश महासचिव डॉक्टर दुर्गेश राय, जिला महासचिव प्रोफेसर तकी अख्तर, डॉक्टर हरिकिशोर सिंह, मनीष कुमार, उमेश प्रसाद सिंह, कृष्णदेव राय, कौशल सिंह कुशवाहा, दिलीप शाह, नीरज कुमार, प्रिया देवी, धर्मदेव सिंह कुशवाहा, शंकर शाह, दिनेश दास ताती, प्रोफेसर उदित नारायण राय, डॉक्टर अमित कुमार, दिनेश प्रसाद सिंह, डॉक्टर त्रिभुवन राय, उमाकांत राय, अनस रिजवान, छात्र नेता शुभकांत ठाकुर, आनंद बिहारी झा, रंजीत कुमार फौजी, आफताब अहमद, रमेश शर्मा, विजय यादव आदि नेताओं ने निश्चय संवाद को सुना। अंतर्गत जेडीयू ने पहली बार एक पार्टी का अपना live.com शुरू किया है। मैं इसके लिए अपने सभी साथियों को यहाँ पर जो इसका निर्माण करने में भूमिका निभाया है, काम को करने में भूमिका ये जो शुरुआत किया है jdulive.com, इसके लिए भी जो हमारे सब बैठे हुए संजय झा जी, अशोक चौधरी जी और उनके साथ जुड़े हुए तमाम। इंकलाब टीवी समाचार आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।